Hi guys, why MSCET 2023 will shortly postpone? We'll be discussing this video. Five major reasons मैं discuss करने वाला हूँ कि exam postpone shortly क्यों होगा, ठीक है? But disclaimer है, don't rely on my words. जो उन्होंने date दिया exam की, वो deadline पकड़ो और आपकी preparation चालू रखो. चाहे आप जो भी CET लिख रहे हो, MBA CET, Law CET 3 year, 5 years, MCET और BEd CET examination. तो बाद में मुझे बोलोगे सर आपने तो बोला था date extend होगी, बट एक्सटेंड तो नहीं हुई, ठीक है. बट आपको रिलैक्स नहीं हो जाना है कि डेट एक्सटेंड होगी तो आराम से पढ़ूंगा, वो गलती नहीं करनी है, ठीक है. अगर डेज एक्सटेंड हुई तो वो बोनस डेज होगा, ऑल दो वो होगी डेट, बिकॉज सीईटी का जो ट्रेंड है 5 years का जो मैंने देखा हुआ है, कभी भी चीज़ें ऑन टाइम नहीं हुई है, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस वन बाई वन ऑल दी रीजन्स. बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, क्लासरूम के लिए अगर आप मुंबई बेस हो, बोरीली दादर वसैयन थाने, यू कैन विजिट फॉर द क्लासरूम कोचिंग. And if you are not Mumbai based, online के लिए you can contact our team on this number, online number 8828581455. बाकी preparation हो गई है, test लिखना है, books order करना है, CET, कोई भी CET exams को लेके, MBA, Law, BEd, MCA, details मैंने description में दिया हुआ है, do check the description. सबसे पहला reason तो जो उन्होंने form filling अभी चालू किया है, law का चालू किया है 5 years का, MCA और MBA का, उसमें एक line लिखी है note उन्होंने, वो line मैं पढ़ता हूँ आपके लिए. Yes, this is the line. The schedule given above is provisional and may change due to unavoidable circumstances. मतलब ये लाइन देने का मतलब क्या, ये लिखने का मतलब ये है कि हाँ भाई डेट एक्सटेंड होगी, डेट पोस्टपोन शॉर्टली होगी. अगर उनको चेंज बिल्कुल नहीं करना होता तो ये लाइन की जो जरूरत नहीं थी. बाद में अगर आपको एक्सटेंड करना होता तो आप एक्सटेंड कर लेते, बट अगर ये लिख रहे नोट तो मतलब हाँ एक्सटेंड होने के चांसेस है. दिस इज द नंबर वन रीजन. नंबर टू, इतने सारे सीटी एग्जाम्स को लेकर उन्होंने जो फॉर्म फिलिंग चालू किया है, एमबीए को लेकर, एमसीए को लेकर, एमबीए में 1.5 लाख के ऊपर लोग हैं, एमसीए 40 to 50,000, सेम लाइकवाइज लॉ 5 years 40 to 50,000, ठीक है. तो वेबसाइट यार हैंडल भी तो कर पाना चाहिए ना, इतना सारा ट्रैफिक आएगा वेबसाइट पे, तो 10 days का टाइम जो दिया बहुत कम टाइम है, तो कुछ ना कुछ गोफ ऑफ होने के चांसेस 100% है, ठीक है. या किसी का फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये सब चीज़ें होगी, तो 10 days इज वेरी लेस टाइम. तो ये एक दूसरा रीज़न है कि हाँ ये डेट थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए फॉर्म फिलिंग को लेकर के. पॉइंट नंबर थ्री, लास्ट फ्यू ईयर का अगर आप सीटी सेल का रिकॉर्ड देखोगे, 5 साल से मैं सीटी लिख रहा हूँ, तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन आता ही आता है. डेट एक्सटेंड होती है, एडमिट कार्ड एक्सटेंड होते हैं, एग्जाम फिर फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड होती है, एडिटिंग के लिए फिर डेट देते हैं, तो वो आने वाला है, तो वो होगा. तो ये पार्ट भी अभी एक पेंडिंग है, तो उसको लेके भी आफ्टर दिस 10 days कुछ ना कुछ अपडेट आएगा. ना पॉइंट नंबर फोर, रिसेंटली दे हैव फिनिश द वेंडर जो पेपर क्रिएट करेंगे, जो फैकल्टीज को बुला रहे थे अलग अलग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस से एंड ऑल. सो अभी जो पेपर जो है आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका क्रिएशन इन प्रोसेस है, उसको लेके अभी फैकल्टीज कमेटी वगैरह उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो स्टिल इट इज इन प्रोसेस. सिंस दे हैव चेंज देयर वेंडर, जो पहले TCS IBPS करता था वो तो चेंज ही हो गया है, तो CET सेल अभी इसको खुद ही ध्यान दे रहा है. सो दिस इज व्हाट द अनदर रीजन कि मुझे लगता है कि हाँ अभी पेपर कॉन्क्रीट तरीके से पेपर बनने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वो भी रीज़न है कि हाँ डेट पोस्टपोन हो सकती है. फिफ्थ रीज़न इज़ नथिंग बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद CET सेल. बहुत सारे डेट एक्सटेंड होते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें आ जाती हैं इन दी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस या एग्ज़ाम को लेकर के. सो दैट इज़ द अनदर रीज़न कि बोल सकते हैं कि हाँ भाई डेट तो एक्सटेंड होगी. बट अगेन डिस्क्लेमर, डोंट रिलाई ऑन माई वर्ड्स. जो डेट दिया वो फाइनल समझो और फुल फ्लेज में लग जाओ प्रिपरेशन को लेकर. डेट एक्सटेंड हुई, जो मिलेगा आपको एक्स्ट्रा डेज, उसमें हम और रिवाइज करेंगे और जो टॉपिक हमारे वीक है, जहाँ पे हमने प्रिपरेशन नहीं किया, उस पर फाइट मारेंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज. डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपका क्या ओपिनियन है सीईटी की डेट को लेकर के, ठीक है. बाकी जैसे अपडेट आएगा विल डेफिनेटली मेक द वीडियो. एंड टू ज्वाइन द बैचेस फॉर द सीईटी 23, लॉ 3 and 5 years, MBA सीईटी, MCA सीईटी, BEd सीईटी के लिए, अगर आप मुंबई बेस हो तो दादर, बोरीवली, वसैयन, थाने यू कैन विजिट. थाने सेंटर इज ओपन नाउ, यू कैन विजिट एट सेंटर एंड यू कैन टेक द काउंसलिंग एंड यू कैन ज्वाइन फॉर द बैचेस. मिड ऑफ मार्च से वी आर लॉन्चिंग द बैचेस एट ऑल द सेंटर्स एंड लाइव क्लास के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. प्रिपेयर वेल फॉर द CET 23 सो दैट यू कैन क्रैक CET दिस ईयर ओनली. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.